सावन का महीना भगवान शिव और उनके भक्तों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को खुश करने के लिए हर साल लाखों श्रद्धालु कावड़ यात्रा निकालते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान शिव भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों सवाल आता है, आखिर कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, तो आइए आज जानते हैं। दोस्तों कांवड़ यात्रा की शुरुआत को लेकर कई लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का कांवड़ से गंगा जल लाकर अभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जल अभिषेक करने के लिए गढ़ मुक्तेश्वर से गंगा जी का जल लाए थे और आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का जल अभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रजघाट है। वहीं कुछ विद्वानों का कहना है कि सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने पहली बार कावड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के क्रम में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान करने की इच्छा प्रकट की और माता पिता की शिक्षा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कावड़ में बैठा कर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान कराया और वापसी में भी अपने साथ गंगा जल भी ले गए। इसे ही कावड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता है। लेकिन वेद पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष के प्रभावों को दूर करने के लिए देवताओं ने भगवान शिव पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया था ताकि उनके शरीर को शीतलता प्रदान की जा सके और तभी से सावन महीने में कावड़ यात्रा की शुरुआत हुई। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं भगवान शिव को सावन का महीना इतना प्रिय क्यों है, तो आप इस वीडियो को देखें और अगर आज कुछ नया सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।